हम बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा, और उसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये जो है गोभी का पराठा हमने उबले हुए गोभी से नहीं बनाया है, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कच्चे गोभी का पराठा कैसे बनता है। ये देख सकते हैं गोभी में कटोरे में थोड़ी सी बची होती है, मैंने कल बना ली, अभी नाश्ते में बना ली थी, आप देख सकते हैं पूरा सा गोभी पराठे बना रही हूँ। उसकी पराठा हमारा ऑलमोस्ट उठने की कगार पे है, पूरा कवर गर्म बन चुका है। तैयार भी हो चुका है, आप देख सकते हैं कहीं से भी फट नहीं रहा है, थोड़ा सा क्लीन थोड़ा सा देख सकते हैं फट नहीं रहा है, कहीं से भी फटा हुआ नजर नहीं आएगा आपको, ये अब अच्छे से सीखेगा ये। तो ये एक ट्रिक होती है पराठे। ऊपर ऊपर नजर आ रही होगी आपको, सबसे अच्छी चीज ये है, देखिए पराठा फटा भी नहीं है और अच्छे से उसकी फीलिंग भी नजर आ रही है, समझ में आएगा। बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोडेड वाला पराठा कह सकते हैं इसको, गोभी का लोडेड वाला पराठा। देखिए अच्छे से पतला पतला और बिल्कुल टाइम से बड़ा बड़ा बनाया है, आप देख सकते ऑलमोस्ट रेडी होने को तैयार है। इतना अच्छा कलर आया, आप मक्खन के साथ घी के साथ ट्राई कर सकते हैं, देखिए फटा भी नहीं और ये बिल्कुल फीलिंग आपको अलग नजर आ रही होगी चारों तरफ से, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए इतने अच्छे से पका है हमारा ये पराठा, तो हम इसे देखने डालेंगे। तैयार हो गया ना हमारा गोभी पराठा, ना फटा ना कुछ, पूरी फीलिंग आपको दिखती नजर आ रही है। सो आज के लिए इतना ही, और हम आपको ये जो है ये ब्लॉग जो है पूरा दिखाऊंगी, और गोभी का जो पराठा है अलग से मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं भी कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अलग से आपकी अलग से वीडियो बना भी कोई, तो मैं जब बोल देता हूँ। बाय, हम बनाने जा रहे हैं चाय, और ये है हमारा स्टाइल अदरक डालने का, क्योंकि इससे जो है अदरक बहुत अच्छे से गलती है।
कुछ नहीं। अभी इस समय हम पी रहे चाय और चाय पीकर चिप्स। तो मम्मी फोन पे लगी हुई है, पूजा चाय बना चिप्स दे रही मम्मी को। तो ये हमारे ब्लॉग के अंदर आप देख रहे हैं, दोपहर शाम का समय हो रहा है, चाय का चाय टाइम हो रही है, चाय और चाय और चिप्स। तो मिलते हैं इस समय, ऐसा कोई चिप्स का ऐड नहीं करूंगा, खा रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे हम रात के समय। आज हम जा रहे हैं एक कीर्तन में, रासलीला देखने। सो हम आगे वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, वहाँ का कैसे जो भी होगा हम सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। चाहे हमें थोड़ा सा शूट करना पड़े, हम आपके लिए शूट करके लाएंगे। मिलते हैं हम आपको वहाँ पर। गाइस हम आ गए हैं अपनी जहाँ पे हमें लोकेशन पे आना था, यहाँ कीर्तन वगैरह हुआ था, और अब यहाँ पे झांकी वगैरह जो भी है होगी वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा भवन बनाया हुआ है, और यहाँ पे झांकी भी होगी, आप देख सकते हैं। अभी कोई आया नहीं है, जैसे ही कोई आएगा आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ आए पहले। तू निज दासी बड़ा मतवाला है, क्या कहिए यहाँ कौन समझने वाला है। रासलीला हमने जो दिखाई है आपको, आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करना और वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और रासलीला को एंजॉय करें।